जनपद मैनपुरी में ट्रेडर्स एंड इंडस्ट्री वेलफेयर एसोसिएशन के तत्वाधान में अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमंत गुप्ता के आह्वान पर विशाल महारैली का आयोजन किया गया, जिसमें प्रदेश के कई जनपदों से आए पदाधिकारियों ने भाग लिया। तो वही मुख्य अतिथि के रूप में ठाए ठाए और धाए धाए करने पहुंचे उत्तर प्रदेश विकास मंत्री महेश गुप्ता ने भाग लिया, जहां महेश गुप्ता का मौजूद कार्यकर्ताओं ने माला अर्पण कर चांदी का मुकुट पहनाकर भव्य स्वागत किया। तो वही वैश्य एकता परिषद के मंच पर जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी की तर्ज पर मौजूद जनसभा को संबोधित किया गया। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश में अपनी सत्ता कायम किए हुए बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए सुमंत गुप्ता ने कहा कि वैश्य समाज के लोगों का मतदान के समय इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन उन्हें कभी भी राजनीतिक में हिस्सेदारी नहीं दी जाती है। उन्होंने कहा, देश और प्रदेश राजनीति व समाज के लोगों के हिसाब से पूरे उत्तर प्रदेश में 106 सीटों पर वैश्य समाज के नेताओं को टिकट देकर पार्टी में हिस्सेदारी देने का काम सरकार कर रही है। यदि ऐसा नहीं किया तो इस बार बीजेपी के प्रदेश में जीतना मुश्किल पड़ जाएगा। तो वही इन सभी का कटाक्ष करते हुए बीजेपी पार्टी के उत्तर प्रदेश विकास मंत्री महेश गुप्ता ने कहा कि बीजेपी सरकार वैश्य समाज के साथ है, क्योंकि बीजेपी भारत माता की जय बोलती है और वैश्य समाज भी भारत माता की जय बोलते हैं, इसलिए वे उनके साथ है। उन्होंने सपा में शामिल माफिया के विरुद्ध मोर्चा खोलते हुए मंच के माध्यम से जमकर ठाए 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 और धाए 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 करते हुए लोगों की बार बार उल्टी, तो वही प्रधानमंत्री मोदी के प्रशंसा करने से नहीं चूके। कार्यक्रम के समापन के बाद विकास राज्य मंत्री महेश गुप्ता ने वैश्य राजनीतिक अधिकार यात्रा रथ का शुभारंभ हरी झंडी दिखाकर किया। सर, आज मैनपुरी में आप जो ना आगमन हुआ है, इसका मेन उद्देश्य क्या है? आप आज हमारे बाबूजी सुमंत गुप्ता जी, जो हमारे वैश्य समाज की एक एक किस्म से पूरी चिंता करते हैं और उनके मन में है हमारा वैश्य समाज युवा जोश और उसकी ज़्यादा से ज़्यादा राजनीतिक क्षेत्र में भागीदारी हो, उसी यात्रा में उसी कार्यक्रम में हमारा आना हुआ है। बीजेपी आज की आपके वैश्य एकता परिषद के लोगों ने या वैश्यों का नहीं, वैश्यों की है महारैली। आपने जो पूरा नियोजित किया है एक तरीके से, एक 106 की संख्या बताई गई है कि भैया वैश्य हमारे भागीदारी होनी चाहिए। सरकारों ने हमारा तिरस्कार किया है, जो हमें चाहिए था वो नहीं दिया गया, लेकिन आपकी वक्ता में पूरा भी बीजेपी का गुणगान किया गया, न कि इन वैश्यों के लिए जो उद्धार करने का रास्ता हो वो मिले। देखिए, वैश्य समाज की चिंता भारतीय जनता पार्टी करती है। समाजवादी पार्टी जब सरकार थी तो हमारे वैश्य समाज के साथ पूरी तरह से लूट खसोट और उनके बच्चों के अपहरण और पूरी गुंडागर्दी होती थी। तो मैं कह सकता हूँ आज भारतीय जनता पार्टी के ज़माने में हमारा वैश्य समाज बिल्कुल सुरक्षित है, उसे कोई कष्ट नहीं। आज किसी की हिम्मत नहीं है हमारे वैश्य समाज के या व्यापारी समाज पर कोई भी कुछ कर सके। तो मैं ये कहता अभी मंच के माध्यम से वैश्य एकता परिषद के पदाधिकारी कह रहे थे कि अगर वैश्य समाज से कोई डिप्टी सीएम नहीं बना तो हम भी ब्राह्मणों की तरह अपनी ताकत को दिखाएंगे, इस पर क्या कहते हैं आप? ये अरे हरेक का अपना व्यक्तिगत विचार होता है, लेकिन हम तो केवल कह सकते हैं कुछ हमें पार्टी बनाए ना बनाए, लेकिन आज वैश्य समाज में जो हमारा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित है और एक से एक ऊंचे माफिया, बताइए मुख्तार अंसारी किसको परेशान करते थे, विकास दुबे किनको परेशान करते थे, ये अतीक अहमद किनको परेशान करते थे। ये पहले हम रात को सोते थे तो सुबह रात को सोते थे ये डर लगता था कि चूंकि हमारा प्लाट था तो हमको ये डर लगता था कोई हमारे प्लाट पर कब्जा ना कर ले, और आज हम बेफिक्र सोते हैं, किसी की हिम्मत नहीं हमारे प्लाट पर कब्जा कर ले या कुछ तरह से कर ले। तो हम मैं कह सकता हूँ कि आज सब लोग एक अच्छे रूप में वैश्य समाज रहे हैं। अगर भाजपा ने वैश्य एकता परिषद के लोगों को टिकटें नहीं दी तो क्या इस बार हराने का काम भी कर? अरे आज 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 देखिए हमारे 22-23 MLA भारतीय जनता पार्टी में, और किसी पार्टी की कोई हिम्मत ही नहीं पड़ती किसी को देखो तो। हमारे भारतीय जनता पार्टी का तालमेल इस तरह इस प्रकार से है कि सबकी भावना भी उसमें होती है, क्योंकि वैश्य समाज जो है वो देशभक्त है, उसके अंदर भाव ही रहता है सर्वप्रिय हमारा कैसे भी हो राष्ट्र सर्वोपर हो, और वो ही भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, उसका भी भाव है, उसके मन में भी ये भाव रहता है पहले हमारा राष्ट्र है उसके बाद हमारा दल है। तो वो हम भामाशाह की हमारा वैश्य समाज वंशज है तो वो सब एक तालमेल मिलता है, इसलिए सबकी इच्छा भारतीय जनता। लखनऊ के अभ्यर्थियों पर लाठी चार्ज कराया सरकार ने, कैंडल मार्च निकाल रहे अभ्यर्थियों पर, क्या कहना चाहेंगे आप? अब कोई किस तरह की घटना रही होगी
अब उसको तो मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता हूँ। टैग पेपर लीक पर क्या कहना चाहेंगे? टैग पेपर लीक पर उससे पहले भी आप देखिए समाजवादी पार्टी के शासन में किस प्रकार से लीक या किस प्रकार से हमारे ऊपर माननीय न्यायालयों ने उस पर टिप्पणी की थी और आज उसके तुरंत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितनी तुरंत कार्रवाई की, लगभग 50 से 53 लोग गिरफ्तार हो गए और उनके जिन्होंने इसमें साजिश की है उनकी संपत्ति जब्त होगी, इससे बड़ा उदाहरण क्या होगा। और जब बात इतनी देर से याद आई लग रहा है आपको चूक हुई मैं कदर तुरंत तुरंत अरे तुरंत ही जैसे ही जैसे ही वीडियो वायरल हुई उसी समय पूरी कार्रवाई होगी, गिरफ्तार हो गए और पूरी कार्रवाई और दोबारा बच्चे जाएंगे उनको फ्री बस यात्रा हो। आखिरी सवाल, क्या वैसे शिक्षा परिषद का अधिकार मंच जो 2022 आपने लक्ष्य रखा है और 106 रथ यात्रा निकालेंगे उस जगह एक उम्मीदवारों पे जाएंगे, क्या हम ये मान के चलें कि सिर्फ आपको पीड़ा हो या ना हो या बीजेपी हमें बिल्कुल भी सराहे ना, लेकिन हम बीजेपी के पक्ष में ही रहेंगे, ऐसा हम मान? भारतीय जनता पार्टी की जो भावना है वो और वैश्य समाज की भावना एक ही है, जैसे उन्होंने हमारे उन्होंने कहा था संघ में और वो सब, तो वो सब का भाव एक ही होता है और भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ बात में विचार करती है। आज हम कह सकते हैं हमारे वैश्य समाज के सबसे ज़्यादा चेयरमैन हैं, सबसे ज़्यादा MLA हैं और किसी पे है भी नहीं। मंत्री जी, वैश्य एकता परिषद की रथ यात्रा मैनपुरी से शुरू हो रही है, आप हरी झंडी दिखाएंगे अभी, तो मैनपुरी से भी कोई विधानसभा में प्रत्याशी जा सकता है? अरे ये तो संगठन निर्णय करेगा और हाँ मांग रखे हम अपनी बात, अब जो उस समय जो नाम आएगा। मंत्री जी और भैया में क्या लगता है जितनी हमें सरकारों में भागीदारी होनी चाहिए वो आपको मिली है या सिर्फ इस्तेमाल किया गया? अखिल भारतीय वैश्य एकता परिषद द्वारा राजनीतिक अधिकार यात्रा लक्ष्य 2022 आज से प्रारंभ हो रही है जो उत्तर प्रदेश के विभिन्न कोने से जाएगी। इस यात्रा का मूल उद्देश्य वैश्य समाज के लोगों को राजनीतिक चेतना जागृत करना तथा विधानसभा के चुनाव में उनकी भागीदारी स्थापित हो और वे अधिक से अधिक संख्या में उनको टिकट मिले। 403 विधानसभा क्षेत्रों में से 106 विधानसभा क्षेत्र वैश्य बाहुल्य हैं। हम लोगों की मांग है कि उन स्थानों पर वैश्य समाज के बंधुओं को टिकट मिले। सबसे बड़े आश्चर्य की बात तो ये है कि पूरे आगरा मंडल, पूरे अलीगढ़ मंडल में मात्र 3 विधायक आपके इटावा, औरैया, शाहजहाँपुर, फरकाबाद, कन्नौज, आपके कानपुर देहात में एक भी वैश्य समाज का विधायक नहीं है। इस भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए हमारा दबाव है भारतीय जनता पार्टी पर, कथन भी है कि हमारे लोगों को टिकट दीजिए जिससे आने वाले कल में उनकी हिस्सेदारी और भागीदारी स्थापित हो सके। नहीं हम तो पहले से ये बात उठा रहे हैं। छोटा सा सवाल आपको, वैश्य समाज में मिनी गांधी भी कहा जाता है, तो क्या मिनी गांधी जीवन भर गांधी बने रहेंगे या क्रांतिकारी रूप में आकर अपने लिए भी कुछ करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के लिए लगातार काम कर रहे हो, आपके लिए कुछ नहीं सौंपा, तमाम लोगों को राज्यसभा भेजा गया, MLC भी बनाया गया, आप लगातार भाजपा के लिए काम कर रहे हो, आपके लिए कुछ नहीं भाजपा ने सोचा, आप कुछ कहना चाहेंगे इस पर? नहीं, वो तो हम उनको धन्यवाद और आभार, हम उस लाइन में नहीं खड़े हैं जिसमें हमें कुछ मिले। हम जब मांगना ही नहीं चाहते, हम तो समाज की कौम के लिए काम कर रहे हैं ना, हम तो पूरे कौम और समाज के लिए टिकट की हिस्सेदारी और भागीदारी मांग रहे हैं। जब हम ही आप कहलवा रहे हैं आपके लिए भाजपा नहीं, अगर हम ही अपने लिए मांगने लग जाएंगे तो 106 सीटों की मांग कौन करेगा? तो इसलिए किसी न किसी को तो आहुति देनी पड़ती है, तो इसलिए हम लोगों ने निश्चय किया है कि जन जागरण, जन चेतना पैदा करके वैश्य समाज की हिस्सेदारी और भागीदारी स्थापित की जाए। और इसलिए भी जरूरी है, कोई MLC नहीं, कोई MLA नहीं, चेयरमैन में भी तमाम दिक्कतें और कठिनाइयां हैं, रिजर्वेशन लागू है, तो हम कहां जाएंगे? एक सांसद नहीं है, आप पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र एक सांसद, ये आक्रोश है। MLC तो हमारे नहीं, चेयरमैन की संख्या दिन पर दिन घटती जा रही, उत्पीड़न शोषण हमारा तो हो गई, इसलिए हम लोगों ने निश्चय किया है कि राजनीतिक अधिकार